हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ आवर एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने अपने कैरेक्टर को स्क्रीन पे ड्रॉ किया था। इस पार्ट में हम लोग उस कैरेक्टर पे मूवमेंट डालेंगे। तो मूवमेंट डालने के लिए मैं दो बटन बनाने वाला हूँ, ये है लेफ्ट, ये है राइट। इसको मैंने अपने ड्रॉएबल फोल्डर में पेस्ट कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपने प्लेयर स्प्राइट वाले क्लास पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। पब्लिक स्टैटिक बूलियन मूव लेफ्ट इक्वल्स टू फॉल्स और मूव राइट इक्वल्स टू ऑल्सो फॉल्स। और एक और वेरिएबल एक्स स्पीड, क्योंकि हम लोग का जो कैरेक्टर है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे घूमेगा, मूव करेगा, तो जो जिस स्पीड से वो मूव करेगा उसके लिए एक्स स्पीड इक्वल्स टू 3। अब हम लोग आते हैं अपने अपडेट मेथड। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ अगर मूव राइट ट्रू है तो हम लोग कैरेक्टर राइट साइड में मूव करेगा। तो हम लोग x इक्वल्स टू x प्लस x स्पीड लिखेंगे। पर जब हम लोग का कैरेक्टर स्क्रीन के एंड पे पहुंच जाएगा तब मूव नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग एक और कंडीशन लगाएंगे। इफ x इज लेस देन गेम डॉट गेट विथ माइनस विथ। वैसे ही इफ मूव लेफ्ट के साथ, मूव लेफ्ट ट्रू है तो एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्पीड। सेम उसी तरह, क्योंकि हम लोग का जो कैरेक्टर है लेफ्ट कॉर्नर पर पहुंच जाएगा तो उसके बाद मूव नहीं करना चाहिए। तो हम लोग यहां एक और कंडीशन डालेंगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, कि हम लोग का प्लेयर स्प्राइट क्लास का काम होगा। अब हम लोग आते हैं अपने गेम प्ले वाले क्लास पे। यहाँ पर हम लोग फिर से कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। प्राइवेट बिट मैप, जो हम लोग का बटन के लिए होगा लेफ्ट और राइट वाला, बीएमपी राइट, और वैसे ही प्राइवेट बिट मैप बीएमपी लेफ्ट। और दो बूलियन वेरिएबल्स लेफ्ट और राइट को ट्रैक करने के लिए, मूव राइट एंड प्राइवेट बूलियन। हम लोग अपने दोनों बिट मैप्स को इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पर। बीएमपी लेफ्ट इक्वल्स टू बिट मैप फैक्टरी डॉट डीकोड रिसोर्सेस गेट रिसोर्स आर डॉट ड्रॉएबल डॉट लेफ्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखा है इमेज को ड्राइवल फोल्डर में। bmp राइट इक्वल्स टू वैसे ही बिटमैप फैक्टरी डॉट डीकोड रिसोर्स गेट रिसोर्स आर डॉट ड्राइवल डॉट राइट। ये हम लोग के बिटमैप इनिशियलाइज हो गए। अब हम लोग अपने बिट मैप्स को कैनवास पे ड्रॉ कर देंगे, जिससे बटन्स दोनों हम लोग के कैनवास पे आ जाएंगे। तो हम लोग आते हैं ऑन ड्रॉ मेथड। तो क्योंकि हम लोग को दोनों इमेजेस को स्क्रीन के वर्टिकली सेंटर में ड्रॉ करना, तो हम लोग सबसे पहले एक्स और वाई कैलकुलेट करेंगे। एक्स इक्वल्स टू गेट विथ माइनस बी एम पी राइट डॉट गेट विथ और वाई इक्वल्स टू गेट हाइट डिवाइडेड बाई टू माइनस बी एम पी डॉट गेट हाइट डिवाइडेड बाई टू। ये हम लोग का एक्स और वाई मिल गया। हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे। तो कैनवास बैकग्राउंड के बाद कैनवास डॉट ड्रॉ बिट मैप BMP right x y null, same BMP left के लिए draw bitmap b
BMP left 0 y none. ये हम लोग का इमेज ड्रॉ हो गया। अब हम लोग को टच इवेंट को ट्रैक करना, जब स्क्रीन पे टच होगा और जब वो हम लोग के बटन पे टच होगा तब हम लोग का कैरेक्टर मूव करेगा। तो हम लोग एक मेथड को ओवरराइड करेंगे विच इज ऑन टच इवेंट। तो बनाते हैं यहाँ पर ऑन टच इवेंट, ये हम लोग का मेथड आ गया। इससे पहले हम लोग एक और मेथड बनाएंगे विच इज चेक मूवमेंट। तो इसी के ऊपर हम लोग बनाते हैं प्रोटेक्टेड वॉइड चेक मूवमेंट। ये दो पैरामीटर लेगा, फ्लोट x2 फॉर x एंड फ्लोट y2 फॉर y। यहाँ हम लोग लिखेंगे int x right equals to get with minus bmp right dot get with, जो हम लोग के बटन का x है, और int y left equals to 0। वैसे ही int y equals to get height divided by 2 minus bmp right dot get height divided by 2, और हम लोग width और height find out करेंगे button का। तो int width equals to bmp right dot get width and int height equals to bmp right डॉट गेट हाइट, क्योंकि हम लोग का दोनों इमेजेस का डायमेंशन इक्वल है इसलिए अलग अलग लेने का जरूरत है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या हम लोग के बटन मतलब इमेज पे टच हुआ है या नहीं। इफ x2 इज ग्रेटर देन x राइट एंड x2 इज लेस देन x राइट प्लस विथ एंड y2 is greater than y and y2 is less than y plus height, इसका मतलब है राइट वाले बटन पे प्रेस हुआ। तो हम लोग मूव राइट को ट्रू कर देंगे और मूव लेफ्ट को फॉल्स, ऐसे ही करेंगे हम लोग। एल्स इफ x2 is greater than x left, x2 is greater than x left and x2 is less than x right plus width x left, it should be x left plus width and y2 is greater than y and y2 is less than y plus height। तो हम लोग का मूव राइट हो जाएगा फॉल्स और मूव लेफ्ट हो जाएगा ट्रू, और फाइनली एल्स में दोनों हो जाएंगे फॉल्स। मूव राइट इक्वल्स टू फॉल्स एंड मूव लेफ्ट इज आल्सो फॉल्स। तो ये हो गया। अब हम लोग ऑन टच इवेंट पर आते हैं। If event dot get action equals to motion event dot action down, मतलब जब हम लोगों ने स्क्रीन पे टैप किया तब हम लोग एरर का शिकार।
return पता नहीं कहाँ से आ गया, return true. अगर हम लोगों ने टैप किया तब हम लोग चेक करेंगे कि अगर if move right true है तो हम लोग अपने player sprite के क्लास के मूव राइट को ट्रू कर देंगे और प्लेयर स्प्राइट के क्लास के मूव लेफ्ट को फॉल्स कर देंगे. वैसे ही अगर मूव लेफ्ट ट्रू है सेम तो हम लोग करेंगे कॉपी पेस्ट, दिस विल बी फॉल्स दिस विल बी ट्रू. ये तो था जब हम लोगों ने स्क्रीन पे टैप. अब जैसे ही हम लोग स्क्रीन पे गेट एक्शन इक्वल टू मोशन इवेंट डॉट एक्शन अप, मतलब जब हम लोग अपना फिंगर को स्क्रीन से ऊपर उठाएंगे तो वो होगा एक्शन अप, एक्शन अप. तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो दोनों प्लेयर स्प्राइट क्लास का वेरिएबल है मूव लेफ्ट इक्वल्स टू कर देंगे फॉल्स और मूव राइट भी कर देंगे फॉल्स, मतलब हम लोग का प्लेयर अपना जगह पे रुक जाएगा. सो ये प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं. यस देयर, तो हम लोगों ने कॉमा छोड़ दिया. सो नाउ वी परफेक्ट, नाउ प्ले आवर ऐप. तो ये रहा हम लोग का ऐप, ये वर्किंग फाइन, इट्स वर्किंग लेफ्ट एंड राइट. सो इस पार्ट के लिए बस इतना ही दोस्तों. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे जैसे फायर एंड एनिमीज. टिल देन गुड बाय.